हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हमने एक तरीके से पट्टी की तरह है एक बुकरम ली है जो कि 1 इंच चौड़ी है। लेंथ आप अपने अनुसार रख सकते हो जितनी आपको चाहिए। तो इससे हमें आप एक बहुत ही सुंदर गला बनाएंगे सिंपल पट्टी से। तो मेरी पूरी वीडियो देखना, वीडियो स्किप मत करना, और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसे नापना है। आपको इसे 25 से 30 इंच तक लेंथ इसकी लेनी है। तो हमने इसको 7 इंच पर एक बार मार्किंग कर लिया है। आप इसमें कम या फिर ज़्यादा पे भी रख सकते हो। तो मार्किंग करने के बाद में हमने कुछ इस तरीके से इसे, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसे इसको अंदर की साइड फोल्ड किया है। तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करेंगे। आप इसके बीच का जो गैप है आप कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना रख सकते हो। तो मैंने इस तरीके से इसको पूरा इसके ऊपर प्रेस कर लिया है कपड़े के ऊपर। तो यहाँ से करने के बाद में आपको इस तरीके से इसको बराबर रख लेना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी आप कटिंग कर लेना, आधे इंच की जगह छोड़ते हुए कपड़े की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका पूरा कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद में हमने जो इस तरीके से नुक्कर बनी हुई है जो उसकी साइड, इसको हम कट चाहे तो इसकी कटिंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी इसकी कटिंग करनी है तो आप नीचे की तरफ जो फोल्ड हो जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको इस तरीके से आपको दिखा दिया है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की तरफ बिना ये प्रेस नहीं साथ में होता है, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर दी है। तो हमने लेंथ इसकी 7 इंच रखी है और चौड़ाई हमने इसकी 4.5 इंच ली है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें आगे की इसकी सिलाई है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल गले की सिलाई करते हैं, हमें उसी तरीके से अब आगे की साइड से पूरा इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। आप इस तरीके से कोई और भी डिज़ाइन अगर देखना चाहते हैं सिंपल पट्टी से, अगर आपके पास कोई गला बना हुआ नहीं है, या फिर आप बाज़ार से इस तरीके से चौरस नहीं ले सकते, या फिर आपके पास पास में अवेलेबल नहीं है, तो बुकरम तो हर किसी के पास में अवेलेबल होते हैं क्योंकि हम पौचों के लिए इसमें यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको बराबर फोल्ड कर लिया है यहाँ से। और यहाँ से बराबर करने के बाद में मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर लिया है इसको पूरा। और कटिंग करने के बाद में मैंने इसके ऊपर रख के जो नॉर्मल गले की तरह होती है उसी तरीके से इसकी सिलाई करूँगी। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और भी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर और भी इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर और भी मैं इसके कई सारे डिज़ाइन बनाऊंगी आगे वीडियोस। तो हमने इस तरीके से सिंपल गले को इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है मैंने। यहाँ से बीच में और आगे हम इसको पूरा सिंपल उस तरीके से सिलाई करेंगे। नॉर्मल आप जिस तरीके से आप इसको कोई से भी सूट के ऊपर गला बनाते हैं।
सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।